नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बाजारों की चाल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नॉन एग्री और एग्री कॉमोडिटी की कि आज किस कॉमोडिटी में तेजी बनेगी या मंदी देखने को मिलेगी। और इस पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी मैनेजिंग एडिटर रूपा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन एग्री कॉमोडिटी की। नॉन एग्री कॉमोडिटी में बात करें सोने चांदी की, तो आज एमसीएक्स पर सोना जून वायदा में $1810 के आसपास कारोबार कर रहा है और वहीं एमसीएक्स पर चांदी $21 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो रूपा जी, आगे कैसा रहेगा सोने चांदी का बाजार? देखिए, सोने और चांदी के अंदर आज देखा जाए तो डोमेस्टिक मार्केट में कल के मुकाबले आज हल्की खरीदारी देखने को मिल रही है और विदेशी बाजारों में भी सोना $1800 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल डॉलर के अंदर वीकनेस के चलते हमें सोने के अंदर एक बार फिर से खरीदारी देखने को मिली है। एक जबरदस्त गिरावट के बाद अगेन सोना जो है आज खरीदारी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 50,000 के नीचे जो सोना लुढ़क चुका था, आज एक्सपेक्टेड है कि एक बार फिर से 50,100 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं चांदी भी 60,000 के नीचे लुढ़क चुकी है। अब यहाँ से चांदी में भी एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा बाउंस बैक आज इंट्राडे में देखने को मिल सकता है, क्योंकि डॉलर में वीकनेस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बॉन्ड यील्ड्स में जो है वो गिरावट आई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट जो है वो संभलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके चलते हो सकता है कि आज चांदी भी थोड़ा सा पॉजिटिव रहे और एक बार फिर से 60,000 का स्तर छूती हुई दिखाई दे। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध की वजह से काफी अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है और उसकी वजह से सोना और चांदी के अंदर काफी वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल रही है। और ऐसे में माना जा रहा है कि सोना नीचे में अगर सपोर्ट लेता है, यहाँ से अगर लुढ़कता है $1800 के नीचे सस्टेन करता है, तो हमें गिरावट जो है वो ज्यादा देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए $1800 का लेवल जो है होल्ड किए हुए है मार्केट और ऊपर में एक्सपेक्टेड है कि आज इंट्राडे में 1820 तक के लेवल एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जा सकती है। सेम एज इट इज डोमेस्टिक मार्केट में 50,100 का स्तर देखने को मिल सकता है। जी, अगर कच्चे तेल की बात करें तो आज क्रूड ऑयल में 1.5% की गिरावट के साथ $160 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो कच्चे तेल का बाजार इस सप्ताह कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए, कच्चे तेल में आज जरूर ऊपरी स्तरों से हल्की मुनाफा वसूली बढ़ती हुई दिखाई दी है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। अगर देखा जाए तो अभी भी डिमांड फैक्टर अहम रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है और आगे चलकर एक्सपेक्टेड है कि बाजारों में तेजी का रुझान बना रह सकता है। और कच्चे तेल का भाव अभी फिलहाल जो है $110 के अगर ऊपर निकलता है तो वहां से हम देखेंगे कि $120 तक की तेजी फिलहाल बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल के लिए कच्चे तेल में अभी थोड़े निचले स्तरों में खरीदारी करके चला जा सकता है। एक्सपेक्टेड है कि कच्चा तेल आगे चलकर $120 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की बात की जाए तो डोमेस्टिक मार्केट में आज इंट्राडे में 8420 यानी कि 8420 तक की गिरावट एक्सपेक्टेड है कि आ सकती है नीचे में। वहां पर खरीदारी की रणनीति हो सकती है। 8380 के स्टॉप लॉस के साथ 8420 पे बाई किया जा सकता है और ऊपर में अगेन 8500 तक के स्तर संभव है कि देखने को मिल सकते हैं। जैसा रूपा जी ने बताया कि कच्चे तेल में आगे और तेजी देखने को मिल सकती है, $120 के ऊपर भी ये जा सकता है। बहरहाल, अगर बात करें हम रूपा जी नेचुरल गैस की, तो देश में सीएनजी और पीएनजी गैस की जो कीमतें हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और नेचुरल गैस एमसीएक्स पर 605 के आसपास कारोबार कर रही है। तो रूपा जी, आपको क्या लगता है नेचुरल गैस की कीमतें आगे कहाँ तक जाएंगी और देश की जनता पर इसका और कितना असर पड़ेगा? देखिए, नेचुरल गैस में एक अच्छी रैली है और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि एनर्जी का संकट लगातार बना हुआ है, जिसके चलते कच्चा तेल भी तेज है और नेचुरल गैस में भी तेजी बरकरार है। गिरावट के बाद एक बार फिर से नेचुरल गैस में तेजी बनती हुई दिखाई दी है। दरअसल सप्लाई डिस्टर्बेशन के चलते अभी फिलहाल जो है नेचुरल गैस तेजी में है और आज भी 2.5% के आसपास की तेजी हमें डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल मार्केट भी तेज है, तो मुझे लगता है कि अभी इसमें खरीदारी की तरफ ही रहना चाहिए और इसके अंदर अभी भी जो रैली है वो 620 से लेकर 607 तक ऊपर में इंटैक्ट होती हुई दिखाई दे सकती है, स्टिकली स्टॉप लॉसेस के साथ, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफी ओवरबॉट जोन में है और इंटरनेशनल मार्केट्स भी अभी पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन $8 के आसपास 2.5 से 3% की तेजी आज डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ विदेशी बाजारों में भी देखने को मिल रही है। तो आज मार्केट तेजी में है, तो 620 तक का स्तर आज इंट्राडे के लिए एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है। जी तो रूपा जी, अगर बेस मेटल पे नजर डालें और बेस मेटल्स की बात करें, तो आपके हिसाब से इस सप्ताह बेस मेटल का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है?
देखिए बेस मेटल्स में अभी अभी देखा जाए तो थोड़ा सा करेक्शन का दौर है। बेस मेटल जो है अभी शॉर्ट टर्म रैली के चलते दबाव में रह सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हमने देखी है और आज भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जो है थोड़ा सा करेक्शन में जा सकता है। कॉपर की बात करें तो 748 तक कॉपर की गिरावट जो है आ सकती है। 748 के बाद अगर लुढ़कता है तो 742 से 738 तक के स्तर संभव है नीचे में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि चाइना की तरफ से अभी डिमांड कम हुई है जिसकी वजह से बेस मेटल थोड़े लुढ़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म होरिजन में देखा जाए तो बेस मेटल भी पॉजिटिव है। जिंक अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे में 310 के बाद जो है गिरावट जो है बढ़ सकती है और नीचे में 300-280 तक जिंक में भी गिरावट आती हुई दिखाई दे सकती है। तो मेरे हिसाब से बेस मेटल में अभी थोड़ा सा प्रेशर बना रह सकता है और आज जिंक जो है वो 300 तक नीचे लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। एग्री कॉमोडिटी पर लास्ट क्वेश्चन ये है कि आज एग्री कॉमोडिटी में इंट्राडे में के लिए क्या करके चले और हमारे दर्शकों के लिए इस सप्ताह आपका क्या कहना है? देखिए नॉन एग्री कमोडिटी की अगर बात करें तो काफी उठा पटक वाला माहौल देखने को मिल सकता है, जैसे कि हम लगातार देखते आ रहे हैं। डॉलर की अगर स्ट्रेंथ आती है तो फिर गोल्ड में प्रेशर बनता हुआ दिखाई देता है और जैसे ही डॉलर वीक होता है तो फिर गोल्ड के अंदर हमें खरीदारी देखने को मिलती है। तो इसके चलते अभी काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। स्टेबिलिटी अभी मार्केट के अंदर नहीं है, इस हफ्ते भी काफी डेटा रिलीज होना है, उसके चलते अभी जो है मार्केट में अभी जो करेक्शन आई है मुझे लगता है कि गोल्ड के लिए एक अच्छा हो सकता है कि यहाँ पर निचले स्तरों पर खरीदारी की अपॉर्चुनिटी मिले तो वहां पर खरीदारी की नीति बनाई जा सकती है। और इसके साथ साथ कच्चा तेल अभी काफी तेज लग रहा है, मुझे कच्चे तेल के अंदर भी खरीदारी करके चला जा सकता है। पर जी आप हमारे साथ बने रहिए।